नमस्कार, मैं उपासना हूँ. लल्लन टॉप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया. द बार्ड ऑफ ब्लड बस एंट्री मारने ही वाला है. सो बिफोर दैट, मेरे को सबसे पहले आपसे ये जानना है कि आप में से फिल्म और सीरीज देखने वाला, वो जो कहते हैं ना दीवाना और नशा है जिसको, वो कौन है? मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ. इन्होंने तो सिर्फ 20 देखी है बचपन से लेके अब तक. अच्छा, ओ फिल्में या सीरीज? मैं देखता हूँ. आप देखते हैं? अच्छा, मुझे ये जानना है कि टॉप 5-6 जो आपके दिमाग में आती हैं थ्रिलर्स, वो कौन सी हैं? थ्रिलर्स जी बहुत सारी हैं. आई टॉकिंग अबाउट अभी रिसेंटली? हाँ, रिसेंटली भी, पहले की भी. आई मीन अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में मुझे बहुत मैं बहुत पसंद करता था बैक इन द 80s. पता नहीं थ्रिलर है या हॉरर है, शाइनिंग बहुत पसंद थी. एनीथिंग एल्स? सीरीज? सीरीज में दैट्स अ हॉरर. ब्रेकिंग बैड नार्कोस वुड कम इन टू अ थ्रिलर सीरीज, तो वो बहुत पसंद था. फार्गो. अच्छा, मैंने काफ़ी सारे नाम लिखे हुए थे फॉर यू, याद कराऊँ? बॉडी गार्ड, जब आपने इसकी तैयारी करी है, दिस इज कॉमन क्वेश्चन, कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, रेफरेंसेस दिए गए होंगे आपको कि पाकिस्तान बलूचिस्तान और पाइपलाइन कौन डाल रहा है, ये सारी बातें मतलब बोली गई होंगी पढ़ने के लिए. ऑयल पाइपलाइन इसने डाली है, इस कंट्री ने करा है ना, तो वो वाला समय क्या याद आया जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते थे, हमें ये सब कुछ पढ़ना होता था, तर्क वितर्क के लिए डिबेट्स देनी होती थी कॉलेज में, है ना, अपने आप को कूल भी दिखाना होता था, यार मुझे पता है देखो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, तो कोई वो वाला समय रिकॉल हुआ? आई थिंक बहुत कम कैरेक्टर्स में आपको इतना रिसर्च करने को मिलता है जनरली, फिल्मों में भी, बॉलीवुड में भी. हाँ, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरी फिल्में होती हैं जो कमर्शियल होती हैं, जिनमें इस तरह का काम करना ज़रूरी नहीं है. बस आप स्क्रिप्ट यू नो सीख लो एक हफ्ते पहले और सेट पे पहुँच जाओ, और उस किस्म की फिल्म होती है. लेकिन ये प्रोसेस जो है पढ़ने का, रिसर्च करने का, मैंने बहुत सारे एक्स रॉ एजेंट्स के इंटरव्यूज़ देखे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो ये आई थिंक ये इसमें कुछ अलग ही मज़ा है. ठीक है, तो मतलब वो वाला कोई दिन ऐसा याद नहीं आया कि नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर नहीं था? नॉस्टैल्जिया? हाँ, कि मतलब हम एक्चुअली स्पाई नहीं है. मतलब पर तैयारी तो की होगी ना. आई एम इंटरेस्टेड इन द तैयारी. अच्छा, एग्जाम की तैयारी? हाँ हाँ, जैसे हमने शुरुआत में भी हमने बहुत सारे रीडिंग्स किए थे. हाँ. और आई थिंक सब लोगों ने वेल रिसर्च, आपने भी पढ़ा होगा, किताबें पढ़ी होंगी टू एन एक्सटेंट, बट आई फेल्ट लाइक जो जैसे कि मेरा कैरेक्टर है, आई डिडंट फील द नीड टू रिसर्च बिकॉज शी इज न्यू टू द मिशन, सो आई वॉन्टेड दैट न्यूनेस टू बी रिटेन्ड. या एंड आई वॉज इन्वेस्टेड इन द ग्राफ ऑफ द कैरेक्टर in terms of their temperament, in terms of their emotions, तो वो मेरे लिए ज़्यादा important था. And physical training तो थी, so research इतना मैंने तो नहीं, and I felt like it is better that way for my character. मतलब जो brief दिया गया था वो आप लोगों ने follow किया basically? नहीं, मुझे तो periodic table जैसे chemistry में याद करते हैं ना, वैसे because एक नई language थी. हाँ, तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जिसे हमने पहले सुना हो. हाँ. तो बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी, बहुत सारे वीडियोस देखने पड़े, जो भी अवेलेबल स्पीचेस थी चाहे किसी भी तरह की उसको सुनता था. फिर जो सीन है उसे पहले तो याद कर लो, पहले ये होना चाहिए सिस्टम में जाए ताकि टंग मेरा सिस्टम उसके साथ रिदम में रहे, बिकॉज वन स्लिप फिर से पूरा टेक करो, एंड इट वाज वन टेक, ऑलमोस्ट वन टेक. तो वो एक तैयारी तो थी पढ़ने वाले के हिसाब से. बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो मुझे इन लोगों के थ्रू मिलती है. अच्छा. तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे किसी कैरेक्टर के थ्रू मिलती है उसकी डिटेल में नहीं जाता, बिकॉज वो अच्छा है मैं ना जानूं. ठीक है, वो रोनेस रहती है. हाँ. सब कुछ ठीक है. पश्तो की जिक्र हुआ ही है तो मुझे जानना है, जैसे हरियाणवी बोलने के लिए ना ऐसे एक चीट होती है कि न कोणा बोल देते हैं, है ना, खाना पीना, तो ऐसा लगता है. अरे ना जी ना, ऐसा ना है, पश्तो में कोई ट्रिक होती है? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है. अच्छा. हाँ, और जब तक आप डिटेल में जाके काम नहीं करेंगे तो बस वो, जैसे जो लोग यूपी और बिहार की भी फिल्में करते हैं तो क्या को का बोल दिया. ठीक है भाई, 5-5 कोस पे ना, मतलब बोली बदलती है.
ठीक है, जैसे बोला जाता है पानी बदलता है बोली बदलती है, तो वैसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कई जनरेशन के बाद एक लैंग्वेज डेवलप होती है. तो आप ये सोचें कि दो शब्द मैं अपने नोटबुक में लिख लूँ और तो चीट नहीं होता. हाँ, आई डोंट बिलीव लाइक दैट. ओके इमरान, आपसे एक मतलब ये एक ना जिज्ञासा जागरूकता वाला सवाल है मेरे अंदर का है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो प्लेइंग द हाईएस्ट रिगार्डेड पर्सन कबीर आनंद उनकी नॉलेज का मतलब लोग मिसालें देते हैं इतनी है, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि चीन अपना प्रभुत्व बनाने के लिए जमाने के लिए रादर जो हमारी पड़ोसी देश है वहाँ पे बहुत कुछ कर रहा है, सड़कें बना रहा है, पाइपलाइन बिछा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ऐसे में भारत को कैसे इसका सामना करना चाहिए? पहले तो हमें जो हम खुद ब्रिजेस और पाइपलाइंस बनाते हैं थोड़ा जल्दी कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि मुंबई में जो हमने बांद्रा वर्ली सीलिंग बनाया था उसमें वहाँ पे चीन में कुछ 20 हाईवे बन गए थे अक्रॉस द वाटर्स. यहाँ पे आई थिंक 11 साल लग गए थे बनाने में. तो ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, और अगर आपको चीन का सामना करना है ट्रेड के हिसाब से पॉलिटिकली, तो वी हैव टू गियर अप फास्ट इन द प्रोसेस बेसिकली. जी ठीक है. अच्छा, ये सीज़न वन ख़त्म हो गया, मैं इसको सीज़न वन जैसे ले रही हूँ क्योंकि मैंने देख लिया है. ठीक है, तो मैं इसको ऐसा सोच रही हूँ कि मे बी द सीज़न टू कम्स. तो आप लोगों की कैरेक्टर की वो कौन सी हरकतें हैं, पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जो आप ऑफकोर्स कुछ ना कुछ काम करोगे, कर ही रहे होगे कि कभी कोई फिल्म करोगे कंटेंट ड्रिवन होगी, कोई लव स्टोरी होगी, कुछ तो छूटेगा कैरेक्टर थोड़ा सा, है ना? तो वो कैरेक्टर के कौन से ट्रेट्स हैं बार्ड ऑफ ब्लड के कैरेक्टर्स के जो आपको रिवाइव करने में आसान रहेंगे, कि ये चीज़ जैसे कि उसका टोपी उल्टी पहनना, उसका इस तरीके से बात करना, ये जब आएगा या ये चीज़ मेरे अंदर इस कदर आ गई है कि मैं जब चाहूँगा उसको रिवाइव कर लूँगा या चाहूँगी रिवाइव कर लूँगी. इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा. ऐसा कोई टिपिकल ऐसा कोई मैनरिज्म है नहीं. एक मैं जब कैरेक्टर को अप्रोच करता हूँ तो इंटरनली अप्रोच करता हूँ. एक जो एक स्टॉइक जो चीज़ है एडोनिस की, जो ज़्यादा रिवील करता नहीं है, आई थिंक वो उसको पोर्ट्रे करने में शायद थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि जनरली ऑन द फील्ड भी वो एक ऐसा इंसान है जो ज़्यादा इमोशनली ट्यून नहीं रहता है. क्योंकि वो ये समझता है कि अगर मैंने एक इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ बना लिया तो मुझे डेफिनेटली तोड़ना पड़ेगा. तो ज़्यादा वो सिर्फ दो टाइम है शो में जहाँ पे ही ब्रेक्स डाउन हम दिखाते हैं, उसकी आँखें नम हो जाती हैं, लेकिन जनरली बहुत ही स्टॉइक रहता है. I think that's something that I can easily tap into. Emotionless. For me as an actor, I don't work outside in. I work inside out. So even if I have a physical, like a certain mannerism or a quirk, it comes from feeling a certain emotion. So I think for me, I don't look at it like, अच्छा ये character के लिए ये body language या ये mannerism एक मतलब इट्स नॉट लाइक कपड़े जैसे कि अच्छा दिस कैरेक्टर आई एम गोइंग टू वेयर दिस अवतार, ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड एंड अ वेरी इट कम्स फ्रॉम द सिचुएशन. सो आई थिंक इफ आई हैव शुड सीजन टू हैपन एंड आई होप इट डज, देन आई थिंक आई हैव टू ट्यून बैक इन टू ईशा. वॉट आर हर कॉम्प्लेक्सेस, वॉट आर हर फियर्स, वॉट आर हर कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉट डज शी वॉन्ट एंड वेयर डज शी स्टैंड, उसको समझ के and now where she stands in the new season. So I think it's a more emotional understanding of the character and usse physical attributes aate hain according to me. Yeah, Vineet, aapka koi meri taiyari do tarah ki rehti hai, ek external cheeze hai, internal cheeze hai, aur ye sare references script writer aur director ke through hi milta hai mujhe. To bahut sari cheeze external hoti hain, because set pe jane ke pehle hamara costume ready ho raha hota hai to decide ho jata hai something, this is the look. वहाँ मेरा इमोशन इन्वॉल्व नहीं रहता एट दैट स्टेज. बट उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उसकी नोट्स मैं बनाता हूँ. मेरा पर्सनल कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वाई ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा क्यों रिएक्ट करता है. लाइक हम तीन लोग यहाँ बैठे हैं, लुक एट मी, लुक एट हर, लुक एट इमरान, हम सब अलग तरह से बैठे हैं, अलग रिदम है हमारी, ऐसा हमारी अपब्रिंगिंग से आता है. तो वो रिदम समझना, दैट इज़ इंटरनल प्रोसेस. तो कई बार जब ये काम हो जाता है फिर कई सारी एक्सटर्नल चीज़ें उसके साथ मैच नहीं करती, तो मैं उसे जाने देता हूँ.
सारी तैयारी करके सिर्फ वो करना है जो डायरेक्टर चाहे। अच्छा। और जैसे इसमें जो सुरमा लगाया, हाँ। सब होने के बाद बिकॉज बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे थे, सोचा नहीं था कि सुरमा लगाऊंगा, ये नहीं सोचा था। मेकअप रूम में जब फाइनली रेडी हो गया, देन आई फेल्ट समथिंग, कुछ तो है, एंड एकदम से स्ट्राइक हुआ काजल निकालो, फिर उसे अप्लाई किया, वो कैरेक्टर के साथ जाता है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने देखी हैं, और वो जिस तरह से उम्मीद होप के साथ कबीर की तरफ देखता है या ईशा की तरफ देखता है, तो उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। मतलब ये आइज़ के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें कह पाऊँगा, बट हर किरदार काजल नहीं लगा सकता। भी सपोज़ दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वहाँ मैं कॉरपोरेट में काम कर रहा हूँ, काजल लगा के नहीं जा सकता, चाहे कितना भी गहरे राज हो मेरे अंदर। तो डिपेंड करता है स्क्रिप्ट क्या अलाउ करती है। ठीक। एंड आर यू रेडी फॉर द मीम्स? क्योंकि जैसे ही कोई सीरीज आउट होती है उसके मीम्स आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे मीम्स आए थे। हाँ, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? कोई ऐसी मीम जो इन हाउस मीम हो जिसपे शूट करते हुए बहुत जबरदस्त हंसी आई और ऐसा लगा हो कि यार ये ट्रोल ना हो जाए कहीं? हमारा कुछ अलग एक साइड फिल्म चल रही थी, हमारी एक स्पूफ फिल्म चल रही थी ऑफ कैमरा, क्योंकि हमेशा ये एक तो बहुत ही काबिल एजेंट हैं, लेकिन मेरा एक जो मिस्ट्रस्ट था इनमें शुरुआत में, तो वी शुड प्ले दैट आउट इन एवरी आउटटेक शॉट खत्म होने के बाद। जैसे इनको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता नहीं है, जब ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रही है तो आपको कंप्यूटर का स्क्रीन दिखता नहीं है, लेकिन वो टेट्रिस खेल रही है पीछे। हाँ, दूसरा है USB स्टिक इनको इस्तेमाल करना आता नहीं है, गन चलानी आती नहीं है। ठीक है, तो ये गन से भी मेरे को एक चीज है, क्योंकि ऑफ कोर्स गन्स बहुत यूज हुई है, तो आप में से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आई थी गन यूज करते हुए? आई थिंक वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई गन यूज करने में, बस I don't know if you were comfortable in the ki lag raha hai yaar, you are not really used, you're not done the kind of action. Ha, I've not done action before, but I was I really enjoyed it, I was very excited. Isha ke sath thoda ye tha ki ab jaise hum logon ka jo costume hai, Isha ke paas dupatta bhi hai, ek bag bhi hai, aur usme gun bhi hai, to sari cheeze handle karna thoda sa kathin hota hai फील्ड में। तो वैसे कोई फनी नहीं था कि यार ऊपर कर नहीं नहीं, नहीं फिर वही वो चीजें ना जब इस्तेमाल होने लग जाती हैं तो हाँ। वही आपका स्ट्रेंथ पॉइंट बन जाता है। देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, आप उनको एनालाइज करिए। दुपट्टा एंड फायर गन, दैट्स एन आर्ट, दैट्स अ स्किल। अच्छा, वो एक आखिरी सवाल है इससे पहले कि मुझे बाहर निकाल दे, कि बिना वोवल्स के एक शब्द बताओ। रिदम। यार मैं, it's the longest word in English without a vowel. These questions I can't. Bina a o I o u k koi shabd. Main bura hu isme. Mujhe laga tha aap mein se koi spy kahega. Anyway, you guys just lost and I won. Yeah, you should not spies these questions. Yaar aap log bane ho yaar. Chalo theek hai, lovely talking to you. All the best for your show. Thank you. And aur kya kahe? अलविदा। बाकी मुझे।